हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार मीडिया न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बिहार के टुडे ब्रेकिंग न्यूज 15 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और आप बिहार के किस जिले में रहते हैं साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की सबसे पहली खबर, बिहार के सभी 9360 प्लस टू स्कूलों में मिलेगी फ्री वाईफाई सेवा, फिलो ऐप पर मिलेगी फ्री ट्यूशन। जी हां, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ावा मिलेगा। आवश्यकता अनुसार शिक्षकों को शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के संबंध में प्रशिक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने हाल ही में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए फिलो पोर्टल का शुभारंभ करते हुए उन्होंने ये बात कही है। इस मौके पर विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ने जा रहा है। इसी साल से सभी 9360 माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयों में इंटरनेट और वाईफाई की निःशुल्क सुविधा उपलब्ध होगी। अगली बड़ी खबर, आम लोगों को महंगाई के मार, कमर्शियल के बाद अब घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में हुई बढ़ोतरी, इतने रुपए बढ़ाए गए दाम। जी, कुछ दिन पहले पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। अब पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। आपको बता दें कि आज से 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में आज से 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत 9.9950 रुपए प्रति सिलेंडर भुगतान करना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसी महीने के शुरुआत में कमर्शियल रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। 1 मई को 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 102.50 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद कीमत बढ़कर 2355.50 रुपए हो गई थी। अगली बड़ी खबर, बिहार में 10 मई तक आंधी बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। जी हां, 10 मई तक पश्चिमी, उत्तर और उत्तर पूर्वी बिहार के तकरीबन सभी जिलों में हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक अब आंधी पानी में कमी दर्ज हो सकती है। दरअसल बिहार से गुजर रही ट्रंप लाइन कुछ कमजोर पड़ी है, हवा की रफ्तार में भी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में पुरवैया 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटे की हो रही है। IMD के अनुसार पश्चिमी पूर्वी चंपारण, भागलपुर, बांका, जमुई, किशनगंज, सुपौल, कटिहार और पूर्णिया आदि क्षेत्रों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। आपको बता दें कि उत्तरी पूर्व और उत्तरी मध्य आदि इलाकों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई है। अभी तक बिहार में प्री मानसून और औसतन 28 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। अगली बड़ी खबर, चक्रवर्ती तूफान आसानी का असर शुरू, तेलंगाना में झमाझम बारिश, बिहार में दिखेगा तूफान का असर। जी, बंगाल की खाड़ी से सटे तटीय क्षेत्रों में चक्रवर्ती तूफान आसानी का असर दिखना शुरू हो गया। दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर शुक्रवार को बना एक कम दबाव का क्षेत्र चक्रवर्ती तूफान आसानी के रूप में अब तेजी से तट की ओर बढ़ रहा है। तूफान का असर अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहने की संभावना है। इसका असर न सिर्फ तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल जैसे समुद्री राज्यों में होने की संभावना है, बल्कि झारखंड, बिहार और मध्य प्रदेश में भी झमाझम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आसानी 10 मई को उत्तरी आंध्र ओडिशा तट के करीबी पहुँचेगा। संभव है की यह बंगाल बांग्लादेश तट की ओर भी बढ़े और आंध्र ओडिशा तट की ओर बढ़ता रहे या फिर कमजोर पड़ जाए। इसके बावजूद कोलकाता और दक्षिण बंगाल में 10 से 13 मई के बीच भारी बारिश हो सकती है। इसका असर बिहार में भी दिख सकता है। अगली बड़ी खबर, खत्म हुआ 88 साल का इंतजार, कोसी और मिथिलांचल के बीच शुरू हुई रेल सेवा। जी हां, 88 साल बाद शनिवार को मिथिलांचल का आपस में रेलवे से संपर्क जुड़ गया। सकरी, लोकहा, बाजार, निर्मली एवं सहरसा फरबीसगंज रेलखंड शुरू होने से अब उत्तर बिहार के कोसी, सहरसा व झंझारपुर के लोगों का सफर आसान होगा। दिल्ली में रेल संचार सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झंझारपुर निर्मली नव आमान परिवर्तन रेलखंड जो की 32 किलोमीटर तथा निर्मली आसनपुर कुपहा नई रेल लाइन जो कि 6 किलोमीटर का उद्घाटन किया। इसके बाद रेल मंत्री ने नए रेलखंड पर ट्रेन सेवाओं के परिचालन का भी शुभारंभ किया। उन्होंने नए रेलखंड पर 0553 झंझारपुर सहरसा डेमो स्पेशल को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन स्पेशल के रूप में ट्रेन को रवाना किया। रविवार से इस नए रेलखंड पर 3 नए डेमो स्पेशल ट्रेनों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा।
अगली बड़ी खबर, अब राज्य के सहकारी बैंक बेचेंगे जमीन, रजिस्ट्रेशन के लिए ई स्टाम्प, सालाना होगा 30 करोड़ का मुनाफा। जी हाँ, बिहार में अब जमीन या अन्य दस्तावेज के निबंधन के लिए जरूरी ई स्टाम्प राज्य के सहकारी बैंक बेचेंगे। राज्य सरकार ने स्टॉक होल्डिंग कंपनी ऑफ इंडिया से स्टाम्प बिक्री की जिम्मेवारी लेकर सहकारी बैंक को दे दिया है। इन बैंकों ने अब तक 2/3 से ज्यादा निबंधन केंद्रों पर अपना काम शुरू कर दिया है। जल्द शेष पर भी स्टाम्प की बिक्री इन बैंकों के हाथ में होगी। फिलहाल स्टाम्प के खरीद स्टॉक होल्डिंग कंपनी की ही करेगी और लोगों में बेचने के लिए सहकारी बैंकों को देगी। बदले में कमीशन के राशि का बराबर बंटवारा भी दोनों संस्थाओं के बीच होगा। इससे लगभग 30 करोड़ का सालाना मुनाफा सहकारी बैंकों को होगा। अगली बड़ी खबर, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के लिए 5 लाख से ज्यादा मिले आवेदन, 22 मई तक रजिस्ट्रेशन का है मौका। जी हां, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। cuet.smart.ac.in पर जाकर ऑनलाइन अब 22 मई शाम 5 बजे तक आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले आवेदन की अंतिम तिथि 6 मई तक थी। NTA के अधिकारियों ने बताया कि अब तक 5 लाख से अधिक छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। CUT 2022 के लिए बिहार से 18,000 से अधिक आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं, जबकि सबसे अधिक उत्तर प्रदेश से 69,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। अगली बड़ी खबर, गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर 7 जून से शुरू होगा परिचालन, नितिन गडकरी और सीएम नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन। जी, बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तर बिहार को दक्षिण बिहार से जोड़ने वाले महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन पर जल्द ही परिचालन शुरू हो जाएगा। आने वाले 7 जून को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गांधी सेतु के पूर्वी लेन का लोकार्पण करेंगे। इसके उद्घाटन के साथ ही गांधी सेतु के दोनों लेन से गाड़ियों का परिचालन भी शुरू हो जाएगा, जिससे उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के लोगों के लिए यात्रा सुगम हो जाएगी। साथ ही 7 जून को बिहार के कई NH और पुलों का उद्घाटन और शिलान्यास भी होना है। अगली बड़ी खबर, PM नरेंद्र मोदी बिहार के 73 बच्चों से करेंगे बात, शिक्षा एवं स्वास्थ्य विषय पर होगी चर्चा। जी हां, कोरोना महामारी ने कई परिवार उजाड़ दिए हैं, कितने ही बच्चों ने अपने माँ बाप खो दिए हैं। इन्हीं बच्चों का हाल जानने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन बच्चों से स्वयं बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री बच्चों से उनकी करियर भी साथ साथ उनके पढ़ाई लिखाई को भी लेकर चर्चा करेंगे। समाज कल्याण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी तक इन बच्चों को प्रधानमंत्री से बात करने की तारीखों के बारे में नहीं बताया गया है, परंतु संभावना है कि इसी महीने में प्रधानमंत्री बच्चों से बात करेंगे। कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रधानमंत्री की बातचीत के लिए समाज कल्याण विभाग के द्वारा सभी जिला अधिकारियों को तैयारी का निर्देश दिया गया है। अगली बड़ी खबर, गया में श्रम संसाधन विभाग की तरफ से 9 मई को लगेगा जॉब कैंप, 150 लोगों को मिल सकती है नौकरी। जी हां, बिहार के गया जिले में श्रम संसाधन विभाग की पहल पर विभागीय परिसर में ही जॉब कैंप लगाया जाने वाला है। यह जॉब कैंप 9 मई को लगाया जाएगा, जिसके लिए विभाग की तरफ से तैयारियां शुरू की जा चुकी है। इस जॉब कैंप में 10वीं से 12वीं तक के छात्र और ITI डिप्लोमा के अभ्यर्थी भी भाग ले सकते हैं। इस जॉब कैंप द्वारा तकरीबन 150 छात्रों को नौकरी दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस कैंप में पूरे जिले से योग्य अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। कैंप में हिस्सा लेने के लिए अभ्यर्थियों को अपने साथ शैक्षणिक प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी और खुद का स्टैम्प साइज का 4 फोटो लेकर आना होगा। इसके साथ ही आधार कार्ड भी लाना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर, बिहार के कॉलेजों में प्राचार्यों का कार्यकाल अब 5 साल, शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने किया ऐलान। जहां शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि राज्य के सरकारी कॉलेजों में प्राचार्य का कार्यकाल अब कम से कम 5 साल का होगा। इनका कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, यानी अधिकतम 10 साल तक अपने पद पर ही रह पाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से CGL के 1187 पदों पर भर्ती, 15 मई तक आवेदन का है मौका। जी हां, बिहार कर्मचारी चयन आयोग से CGL परीक्षा के जरिए राज्य के सरकारी विभागों में 1187 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके लिए आवेदन के लिए अभी तक 1 सप्ताह का समय रह गया है। BPSC CGL परीक्षा 2022 में भाग लेने के इच्छुक अभ्यर्थी 15 मई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 14 अप्रैल 2022 से शुरू हुई थी। BPSC की इस भर्ती के जरिए कुल 1187 पदों को भरा जाएगा, जिनमें सबसे ज्यादा सचिवालय सहायक के 1360 पद है। अगली बड़ी खबर, UPSC का एग्जाम कैलेंडर हुआ जारी, 28 मई 2023 को होगी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा। UPSC ने वर्ष 2023 के विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गुरुवार को जारी कर दिया है। कैलेंडर में परीक्षा की तिथि व नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि जारी की गई है।
स्टूडेंट यूपीएससी की वेबसाइट upsc.government.in पर जाकर परीक्षा तिथि देख सकते हैं। जारी कैलेंडर के अनुसार यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम परीक्षा 2023 व आईएफएस 2023 का आयोजन 28 मई 2023 को होगा। इसकी अधिसूचना 1 फरवरी 2023 को जारी की जाएगी। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2023 है। साथ ही यूपीएससी ने कहा कि परिस्थितियों के मुताबिक परीक्षा की तारीखें बदली जा सकती है। सिविल सेवा मुख्य परीक्षा 2023 का आयोजन 15 सितंबर से शुरू होगा जो 5 दिनों तक चलेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में मिड डे मील के मेनू में हुआ बदलाव, छात्रों को सलाद की जगह मिलेगा पुलाव। जी हां, शिक्षा विभाग ने पीएम पोषण योजना के मेनू में बदलाव किया है। अब स्कूल में बच्चों को सलाद की जगह सब्जी युक्त पुलाव दिया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी एचएम को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी है और मेनू के अनुसार बच्चों को एमडीएम यानी कि मिड डे मील देने को कहा गया है। बताया जा रहा है कि गर्मी की वजह से अक्सर स्कूलों में समय से पहले मिड डे मील तैयार हो जाता है। हरा सलाद काटे जाने के तुरंत बाद उपयोग में नहीं लाए जाने के पर खराब हो जाता है। गंधयुक्त हो जाने की वजह से खाने योग्य नहीं रहता है। इससे बच्चों के बीमार होने की आशंका बनी रहती है। इसकी वजह से सलाद को मेनू से हटाया गया है। सलाद में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की भरपाई के लिए सब्जी युक्त पुलाव कुलाने को कहा गया है। अगली बड़ी खबर, बिहार के सभी जिलों में साल के अंत तक चलेगी इलेक्ट्रिक और सीएनजी बसें, प्रदूषण कम करने में होगी सहायता। यह राज्य अत्यधिक प्रदूषण से राहत एवं बेहतर पर्यावरण के लिए राज्य भर में इस साल के अंत तक सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसें दिखाई देने लगेगी। इसको लेकर परिवहन ने विभागीय तैयारी पूरी कर ली है। कुछ तकनीकी कारणों से पटना के अलावा 1-2 जिलों में भी इसकी शुरुआत की गई है, लेकिन अब बहुत जल्द राज्य में सभी जिलों में सीएनजी व इलेक्ट्रिक बसें चलेगी, जिसका लाभ आम लोगों को मिलेगा। इसके साथ ही प्रदूषण कम करने में सहायता मिलेगी। ये बातें शुक्रवार को परिवहन मंत्री शीला कुमारी ने अधिवेशन भवन में आयोजित चलन दस्ता सिपाहियों के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। आज के लिए आपका सवाल बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।